स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 11A। आई होप आपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख ली होगी और कुछ एग्जांपल्स भी उसमें से सॉल्व किए होंगे। तो जल्दी से कॉपी और पेन लेके रेडी हो जाइए और सॉल्व करिए हर एक क्वेश्चन हमारे साथ, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइंस ज्वाइनिंग 5.8 एंड 9.11, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था कि ये पॉइंट x1 y1, ये पॉइंट x2 y2, ठीक है। इस तरह से ना किसी इन दो पॉइंट्स में से दोनों पॉइंट्स को a और b ले लिया, ये हो गया 5.8, ये हो गया आपका 9.11, और मान लो कि p मिड पॉइंट है और ये हो गया x1, ठीक है। तो मैंने इसको लिखा ही है x1 y1 और इसको लिखा x2 y2। तो ये जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट, तो इसके लिए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 अपॉन में 2। और वैसे ही y के लिए क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। x1 और x2 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू 5 है और x2 की वैल्यू 9 अपॉन में 2। और वहीं y1 की वैल्यू कितनी है, 8 प्लस 11 अपॉन में 2। ये रिजल्ट कितना आएगा, 14/2 इज इक्वल टू 7, और ये रिजल्ट आएगा आपका 19/2, या फिर हो सकता है आपका 9.5, ओके। तो यहाँ पे देयरफॉर x, y क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 7.9, ठीक है। और या फिर दिया होगा मे बी 7.19 अपॉन में 2, दोनों में से कोई एक आंसर आपको ये देखने को मिलेगा। बिल्कुल इजी था मिड पॉइंट फॉर्मूला, बस पता होना चाहिए और प्लेस कहाँ करना है। नेक्स्ट इसका पार्ट ही है। अब इसमें मुझे नहीं लगता कि डायग्राम बनाने की जरूरत है ना। मिड पॉइंट यानी एक्स वाई फाइंड करना है, तो एक्स इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन में 2, कितना आ जाएगा 0 प्लस 8 अपॉन में 2, यानी कि 8/2, यानी कि कितना आ गया 4। x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अच्छा नेक्स्ट y की कितनी आएगी, तो y इज आल्सो इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन में 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 0 माइनस 5/2। y की वैल्यू आ गई -5/2, या फिर y इज इक्वल टू -2.5। तो जो मिड पॉइंट होगा x, y, वो क्या हो गया, वो या तो हुआ 4, -2.5, या फिर ये भी हो सकता है 4.5/2 माइनस का, ओके। दोनों में से कोई एक आंसर आ रहा होगा। इजी है, बिल्कुल सारा इजी है क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे एक सी भी है। अगेन ये आपका क्या है, x1 y1 और ये x2 y2। तो x इज इक्वल टू -7 प्लस 0/2 और y इज इक्वल टू y1, तो 0 प्लस 10 अपॉन में 2। फॉर्मूला नहीं लिखा, फॉर्मूला याद रहेगा, है ना, ये दोनों एक साथ प्लस हो रहे हैं और y वाले एक साथ, ओके। तो ये x इज इक्वल टू -7/2, यानी x की वैल्यू आ गई माइनस का 3.5, और y की वैल्यू कितनी आ गई, 10/2, यानी कि 5। तो देयरफॉर मिड पॉइंट यानी कि x, y, ये कॉमा है, x, y कितना आ गया आपका, आपका या तो आएगा -7/2, 5, या फिर दिया होगा -3.5, 5, ठीक है। बस इसका फॉर्म चेंज रह सकता है, या तो फ्रैक्शन में या तो डेसिमल में, उसकी मर्जी है, जिसमें भी आंसर दिया हो, दोनों ही आंसर आपके करेक्ट है। अब ये भी है, नेक्स्ट अगेन ये आपका x1 y1 x2 y2। क्या देखा था फॉर्मूला, मिड पॉइंट के लिए ये x मिड पॉइंट, तो इसके लिए x1 प्लस x2 अपॉन में 2, और y के लिए क्या देखा था, y1 प्लस y2 अपॉन में 2।
तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस फोर प्लस सिक्स, फोर और सिक्स अपॉन में टू, और वही y के लिए क्या आ गया, थ्री और सेवन, थ्री माइनस सेवन अपॉन में टू, ये हो गया। ये कितना आएगा, x इज इक्वल टू टू बाई टू इज इक्वल टू वन आ गया, और y इज इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू आ गया। ओके सॉरी कितना आ रहा है, फोर बाई टू आ रहा है, माइनस फोर अपॉन में टू, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस टू। तो देयरफॉर x कॉमा y की वैल्यू कितनी हो गई, वन कॉमा माइनस टू, ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, ये सब तो इजी क्वेश्चन है, कोई नहीं, बस हर एक तरह के क्वेश्चन आपको सॉल्व करते रहने हैं। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर ए बी एंड सी। तो चलो हम इनको एक ट्रायंगल की तरह कर लेते हैं प्लेस, और यहां हम लिखते हैं ए, यहां पे बी और यहां पे सी। यहां पे लिखा वन कॉमा माइनस वन, यहां लिखा फोर कॉमा माइनस वन, और यहां लिखा फोर कॉमा थ्री। अच्छा, इसको ले लेते हैं एक्स वन वाई वन, इसको हमने लिया एक्स टू वाई टू, और इसको हमने ले लिया x3 y3। अब देखो रटने वाली चीज नहीं है कि बस x1 x2 और x1 y1 और x2 y2 रहेगा, तो ही ऐसा कुछ नहीं है, x3 y3 और x1 y1 भी तो रह सकता है। इसका मिड पॉइंट यहां आ जाएगा, इसका मिड पॉइंट यहां, और इसका मिड पॉइंट यहां आ जाएगा। तो AB का D हो गया, BC का E हो गया, और इसका F हो गया। चलो इसका ले लेते हैं PQ, ओके, और PQ से अच्छा रहेगा किसी का एक्स वाई भी लें, क्या करें किसी का, इसका ले लिया मैंने एक्स वाई, ठीक, इसका ले लिया मैंने PQ, और इसका मिड पॉइंट ले लिया मैंने MN, ठीक है, मेरी मर्जी, मैंने मिड पॉइंट्स ले लिए यहाँ पे, D है मिड पॉइंट, F है मिड पॉइंट, E है मिड पॉइंट, ओके, लेट द mid points of AB, BC and AC be D, E and F, okay, respectively, ले लिया भाई, ठीक है। चलो तो अब आपको mid point का formula तो पता है, x1 plus x2 upon में 2 होता है। तो यहां पे सबसे पहले D के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, D के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो X इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, X1 प्लस X2 अपॉन में 2 इज इक्वल टू हाउ मच, ये आपका हो जाएगा, X1 की वैल्यू देखो 1 है और इसकी 4 है, वरना यहां पे भी देख सकते हो, 1 प्लस 4, 1 प्लस 4 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 5 बाई 2 is equal to 2.5, ये एक आ गया, या 5 by 2 तक भी ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम y की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें, तो y1 plus y2 upon में 2, y1 ये minus 1 है और y2 भी minus 1 है upon में 2, minus 2 by 2 is equal to how much, minus का 1 आ गया। यानी कि यहाँ पे d के लिए क्या आ गया, D की वैल्यू आ गई 2.5 कॉमा माइनस 1, या फिर 5 बाई 2 कॉमा 1, दोनों में से कोई एक आंसर हो, ओके, एक हमने यहां पे कैलकुलेट कर दिया। चलो अब बी सी पे जो E है उसके लिए लिखते हैं। अब पॉइंट E के लिए, E के लिए हमने देखो P और Q लिया हुआ है ना, E के लिए तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जो P मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट तो वैल्यू क्या हो जाएगी, x2 plus x3 upon में 2, जरूरी थोड़ी है, नाम तो हमने बदल दिया लेकिन क्या है, सही सेम रहेगी ना, x2 plus x3 upon में 2 क्या रहेगा, x2 plus x3 upon में 2, x2 की वैल्यू कितनी है, माइनस 1, अरे 4 है, और कितना है ये, 4 है, तो कितना लिख देंगे, 4 plus
4 अपॉन में 2 यानी 8 by 2 is equal to कितना आ गया 4। वही q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, q की वैल्यू हो जाएगी y2 plus y3 अपॉन में 2, y2 यानी -1 और y3 plus 3 अपॉन में 2 यानी 2 by 2 is equal to 1। कितना आ गया p और q की वैल्यू 4,1 आ गया, इसका कितना आया 4,1, ये आंसर आ गया। अब लास्ट वाला कौन सा बचा हुआ है हमारे को कैलकुलेट करना है, वो आपका बचा हुआ है a और c का मिड पॉइंट f। तो f के लिए देखो क्या लिया है, m लिया है, m इज इक्वल टू x1 प्लस x3 अपॉन में 2। ये देखो x1 है और ये x3 है, तो क्या हो गया 1 प्लस 4 अपॉन में 2, कितना आ जाएगा ये आपका 5/2 आ जाएगा। चलो 5/2 ही रहने देते हैं, या फिर हो सकता है क्या 2.5 भी तो हो सकता है। n की वैल्यू यानी सेकंड y वाले के लिए, तो y1 प्लस y3 अपॉन में 2। y1 की वैल्यू क्या है -1 है और इधर क्या है +3 अपॉन में 2 यानी कि 2/2 इज इक्वल टू 1। क्या कुछ आया यहां पे, आया इसकी वैल्यू कितनी आई 5/2,1 और क्या हो सकता है 2.5,1। ओके, तो ये सारी वैल्यूज आपके पास आ गई, ठीक है। अगर कहो तो यहां पे भी लिख देते हैं, d के लिए कोऑर्डिनेट हो गया आपका 5/2,-1, e के लिए क्या हो गया, e के लिए हो गया आपका 4,1 और f के लिए अभी कैलकुलेट किया क्या हुआ 5/2,1, ठीक है, ये तीनों के लिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 3। फाइंड द सेंटर ऑफ अ सर्कल इफ द एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर आर ए एंड सी। फाइंड द सेंटर ऑफ अ सर्कल, चलो ये एक सर्कल ले लिया हमने और ये डायमीटर ले लिया, ये रहा सेंटर, सेंटर को मैं ले लेता हूं बी, एंड पॉइंट्स आर ए एंड सी और ये है -5,7 और ये है 3,-11। अब आप देखो, अरे -5,7 तक क्या लिख रहा हूं मैं अभी, -5,7। अब ये क्या है आपका x1 y1, ये क्या है x2 y2 और इसका कोऑर्डिनेट x और y, और देख सकते हो ये रेडियस है, ये रेडियस है और ये क्या है मिड पॉइंट है ना। ओके, तो सिंस AC इज डायमीटर है ना, तो देयरफॉर B इज सेंटर एज वेल एज मिड पॉइंट ऑफ AC, AC का मिड पॉइंट भी तो है। देयरफॉर x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और y के लिए y1 प्लस y2 अपॉन में 2, ये कर दिया। देखो ये रहा भाई आपका x1 y1 और ये रहा x2 y2, -5 + 3 क्या लिखेंगे -5 + 3 अपॉन में 2, 7 - 11 क्या लिखेंगे 7 - 11/2। देखो बीच में प्लस माइनस माइनस ही आएगा तो क्या रखेंगे माइनस, तो -5 + 3 कितना आ जाएगा -2/2 इज इक्वल टू 1 और ये कितना आ जाएगा -4/2 इज इक्वल टू -2। क्या कुछ आ गए कोऑर्डिनेट्स आपके पास, यहां भी देखो माइनस ही आया है ना -2/2। एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू कैसी आ रही है, बी का कोऑर्डिनेट हो गया x, y और x, y क्या आया -1, -2। दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इफ m इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, चलो यहां पे कोई लाइन ले लेते हैं और m जो है मिड पॉइंट है किसका, a और b का, ऐसे ही बोला है ना, ए बी का मिड पॉइंट कौन है,
एम है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द ए, आपको ए फाइंड आउट करना है। चलो इसको x1 y1 ही रहने देते हैं। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम, एम का 2.8, इसको x y रहने दो, और इसका b का -4.19 है। मौसम बिल्कुल बदल रहा है तो तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, बट एक्चुअली बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि भाई ट्रिग्नोमेट्री भी होना चाहिए, बाकी अदर चैप्टर्स भी होने चाहिए, तो इसीलिए हम लगातार लगे हुए हैं आप लोगों के लिए। बस आप लोगों को क्या करना है कि अपना थोड़ा सा जो है प्यार हमारे लिए भी रखिए, और शेयर करिए चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, ताकि और ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ, मेहनत के साथ हम आपको पढ़ाएं। तो चलिए यहाँ पे फॉर्मूला सेम रहेगा मिड पॉइंट वाला ही, ओके। सिंस एम इज मिड पॉइंट, अगर एम मिड पॉइंट है तो एक्स की वैल्यू क्या हुई, एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन मिड टू, और y की वैल्यू क्या हुई, अगेन y1 प्लस y2 अपॉन में। अब करना क्या है, वैल्यूज पुट कर देनी है। x की वैल्यू ऑलरेडी पता है जो कि 2 है, x1 की वैल्यू जो कि a का कोऑर्डिनेट है मुझे नहीं पता, और x2 की वैल्यू मुझे उधर दिख रही है कितनी है, -4 अपॉन में 2, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू x1 माइनस 4, तो 4 प्लस 4 इज इक्वल टू x1, x1 की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। चलो इधर y के लिए देखते हैं, y कितना है यहाँ पे, y है 8 इज इक्वल टू y1 नहीं पता जो कि a का कोऑर्डिनेट है, प्लस y2 कितना है, 19 दिया हुआ है, 2 8 16 इज इक्वल टू y1 प्लस 19। अब ये y1 अगर इधर ही रहा तो 16 ये आएगा माइनस में, तो y1 की वैल्यू भी -3, तो देयरफॉर a जिसका कोऑर्डिनेट्स क्या लिया था हम लोगों ने, x1 y1 लिया था, वो कितना आ गया, 8, -3, कितना आ गया, 8, -3। चलो क्वेश्चन नंबर 4 तक क्लियर है, अब कौन सा क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, फोर्थ में बी पार्ट भी है उसको भी देखते हैं। बी इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड एम, B को फाइंड करना है इफ कोऑर्डिनेट ऑफ A एंड M आर इतना इतना, ओके, सेम लाइन उसी की बात कर रहा है, सेम पार्ट है, A भी यहां हो गए, M यहां हो गया। अब की बार B निकाल के दिखाओ, यानी x2 y2 निकालो, हमने क्या दिया है, xy दिया हुआ है, और क्या दिया है, x1 y1 दिया हुआ है ना, ये चीजें दी हुई हैं। क्या दिया है, A एंड M, A का कितना है, -1, -2, ओके, माइनस नहीं है, और इसका m का कितना दिया हुआ है, -2, -4 दिया हुआ है, उसका नहीं पता, उसी का निकालना है। तो अगेन सिंस m इज मिड पॉइंट, देयरफॉर x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन में 2, भाई मिड पॉइंट है इसलिए मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम, y is equal to y1 plus y2 upon में 2, सारे पैटर्न सेम रहेंगे, बस जो x1 y1 निकला था इस बार x2 y2 कैलकुलेट होने वाला है। वैल्यूज पुट करते हैं, x की वैल्यू है -2, और x1 की भी इस बार पता है, दैट इज -1 प्लस x2 upon में 2, 2 2 4, -4 इज इक्वल टू -1 प्लस x2, तो x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -4 प्लस 1, तो -3 इज इक्वल टू x2, x2 कितना आ गया भाई, -3 आ गया। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, y की वैल्यू पता है जो कि 4 है, इज इक्वल टू y1 की वैल्यू 2 है, प्लस y2 कैलकुलेट करना है अपॉन में 2, 4 2 8 इज इक्वल टू 2 प्लस y2, तो 8 - 2 इज इक्वल टू y2, तो y2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 6, यानी कि जो b का कोऑर्डिनेट्स था x2, y2, ये इक्वल है किसके, -3, 6 के, -3, 6, ये आ गया आपका आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 होना चाहिए। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड इंटरनली द जॉइन ऑफ द पॉइंट 8, 9, -7, 4 इन द रेशियो 2:3। लाइन बनाने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम बना दे रहे हैं, यही से सारा काम हो जाता। ये रहा आपके पास कोई एक लाइन, है ना, ए है बी है, मान लो कि पी इसको डिवाइड कर रहा है, ये ए है 8, 9 और ये आपका बी है -7, 4 और यहाँ पे वो कोऑर्डिनेट है पता नहीं कौन सा x, y और ये 2:3 के रेशियो में, यानी m1 की वैल्यू 2 और m2 की वैल्यू 3। ये डायग्राम वाइग्राम किसी चीज का चक्कर नहीं रखो, देखो डायरेक्टली ये क्या हुआ x1, y1, ये क्या हुआ x2, y2, ये क्या हुआ m1 और m2, बस इतना याद रखना है। ओके, उसके बाद क्या करना है, फॉर्मूला। जब कोई लाइन डिवाइड होती है, कोई पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या करता है, लाइन को डिवाइड करता है किसी रेशियो में, तो एक्स के लिए वो जो एक्स है पी पॉइंट पे, उसके लिए फॉर्मूला होता है m2 के साथ x1 और m1 के साथ x2 नीचे में रेशियो आपस में प्लस। ओके, नेक्स्ट अगेन y के लिए भी यही चीज होगा, क्या होगा m2 के साथ y1 हो जाएगा और m1 के साथ y2 हो जाएगा और नीचे रेशियो आपस में क्या हो जाएंगे प्लस। बस सॉल्व करिए इसको, m2 की वैल्यू कितनी है 3 है, x1 की वैल्यू कितनी है 8 है, प्लस m1 की वैल्यू कितनी है 2 है और x2 की वैल्यू कितनी है -7। माइनस साइन है इसलिए मैंने यहां ब्रैकेट लगा दिया, नीचे दोनों रेशियो आपस में प्लस हो गए। 24 - 14/5 is equal to 10/5 और ये कितना आ गया, x की वैल्यू आ गई 2। x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2 आ गया x का वैल्यू। y की वैल्यू आप देख लेते हैं, y के लिए m2 यानी देखो 3 और प्लस m1 यानी कि 2, ऐसे लिख लिया m2 और m1 की वैल्यू लिख ली। अब y1 y2 की वैल्यू लिखनी है तो 9 और 4 है, यानी यहां पे 9 और यहां पे 4 बस, और नीचे दोनों रेशियो आपस में प्लस होने वाले हैं। तो y इज इक्वल टू 9 3 + 27 + 4 2 + 8/5 यानी कि ये आ रहा है 35/5। कितना आ जाएगा y का वैल्यू 7। आई थिंक सेम कोऑर्डिनेट्स दिए हुए थे एग्जांपल में भी, किया है हमने एग्जांपल में भी सेम दिए हुए थे, तो यानी कि आपको क्या पता करना था विच डिवाइड द लाइन, तो कोऑर्डिनेट एक्स वाई क्या आ गया आपके पास, जो हमने यहाँ पे पी लिया हुआ था एक्चुअल में वो है 2.7। ये 2.7 ही है जो 8.9 और -7.4 को 2:3 में डिवाइड करता है। चलो इसका बी पार्ट भी अगर ये लिखा है तो, हाँ ये आपका बी पार्ट है, उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 6। तो बी पार्ट में अब तो पहले की तरह परेशान नहीं होना है, क्या लिखना है यहाँ पे x1 y1, क्या लिखना है x2 y2 और ये हुआ m1 और ये हुआ m2। विद फॉर्मूला ही लिखता हूं मैं, ठीक है, फॉर्मूला बार बार लिखते हैं, एक्चुअली में ना लर्न नहीं किया जाता, आप क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट करिए सारे फॉर्मूले, एक पेज पे सामने लिख लो, लिख के जो है आप क्वेश्चंस करो, आपको याद नहीं करना है कि लेके बैठे हैं कभी एक नजर देखते हैं याद हो जाता है, इंप्लीमेंट करो याद हो जाएगा, बस इंप्लीमेंट ही करना है। तो यहाँ पे सारा कुछ पता चल गया आपको, सारी वैल्यूज हैं, गिवन वगैरह का कोई चक्कर नहीं। यहाँ पे सॉल्यूशन में सबसे पहले एक्स इज इक्वल टू, है ना, एक्स वाई, यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हो कि लेट x, y डिवाइड्स इट इंटू 1:2, ठीक है। तो x की वैल्यू अब, है ना, कि मान लो कि वो पॉइंट कौन है, x, y है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, m2 x1 + m1 x2 / m1 + m2। वही y के लिए भी लिखेंगे इज इक्वल टू m2 y1 + m1 y2 / m1 + m2। कैसे बताया मैंने अभी आपको लिखने के लिए, हमने आपको बताया पहले 1:2 है तो क्या लिख लो 2:1, प्लस का सिंबल दे दिया। अब यहाँ पे और यहाँ पे क्या कुछ लिखना है,
x1 और x2 लिखना है। x1 का वैल्यू 1 लिख लिया और x2 की वैल्यू 4 लिख दी। अपॉन में दोनों रेशियो आपस में ऐड होने हैं। x की वैल्यू 2 + 4/3 यानी 6/3 इज इक्वल टू कितना आ गया? आ गया ना एक वैल्यू, कितना आसान था। फिर वैसे ही y के लिए भी क्या करो, यहाँ पे देखो एक रेशियो है तुम्हारा 2m2 और फिर ये 1। अब यहाँ पे क्या रखना है, y1 y2 और नीचे भी 1 + 2 आप कर ही लो। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे, y1 की वैल्यू कितनी है -2। अब ब्रैकेट है तो कोई दिक्कत नहीं है, और इसकी वैल्यू है 7। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, -4 + 7/3 इज इक्वल टू 3/3 इज इक्वल टू 1। यानी कि x और y ही हमने इस बार कोऑर्डिनेट्स को माना था और इसकी वैल्यू आ गई 2, 1। 2, 1 ही है जो इस 1, -2 को और 4, 7 को डिवाइड कर देता है किस रेशियो में, 2:1 के, 1:2 के रेशियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 6। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द जॉइनिंग ऑफ द पॉइंट इतना एंड इतना। ट्राइसेक्शन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ट्राइसेक्शन यानी कोई लाइन है और वो ट्राइसेक्टेड है यानी कि 3 parts में डिवाइडेड है। ये 2, 3 ए हो गया और यहाँ पे लास्ट पॉइंट ले लेते हैं आपका बी, और बी का कितना है 6, 5 है। अब ये जो है ट्राइसेक्टेड है यानी एक और दो और पार्ट है, ये सारे पार्ट्स कैसे हैं आपस में इक्वल है, ठीक है, कैसे हैं ये पार्ट्स इक्वल हैं आपस में। चलो तो अब क्या करना है, सबसे पहले इसको पी को, अगर हम पी को निकालना चाहें और पी के कोऑर्डिनेट को एक्स वाई ले लें, क्या ले लें, एक्स वाई। लेट ए बी बी द लाइन ट्राइसेक्टेड बाई पी एंड, ठीक है। तो फॉर पी, पी के लिए एपी कितना है, 1 part है, और पी बी कितना है, 2 part है। कितना है पी बी, ये देखो ये यहां से यहां तक केवल एक हिस्सा है, तो m1 = 1 और ये कितना हिस्सा है, 2 हिस्सा है, यानी m2 = 2 है ना, सब एक 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 हिस्से है। ट्राइसेक्टेड का मतलब होता है 3 parts में डिवाइड होना, तो ये 3 हिस्से में डिवाइड है। दूसरा वाला रेशियो, ये 2 रेशियो इधर से इधर तक का और इधर से इधर तक का 1 रेशियो है, है ना। m1 = 1 और m2 = how much 2। अभी यहां पे क्या करना है, एक्स वाई लिया है ना हमने उसके कोऑर्डिनेट को, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, p के लिए निकाल रहे हैं, x = m2x1 + m1x2। क्या लिखेंगे, m1x2 अपॉन में m1 + m2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1:2 था तो 2:1 लिखना है हमको, क्या लिखना है, 2:1। और x1 की वैल्यू और यहाँ x2 की वैल्यू, x1 की 2 है और उसकी 6 है, 2 और 6, नीचे 1 + 2 कितना आ गया, 4 + 6/3 यानी कितना आ गया, ये 10/3 आ गया, x की वैल्यू 10/3 आ गई। चलो x की वैल्यू 10/3 आ गई, तो अब y के लिए कैलकुलेट करते हैं। y के लिए भी m2 y1 + m1 y2 अपॉन में m1 + m2। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, m2 यानी कि 2 + 1 ले लिया, ब्रैकेट लगा दो, y1 y2 की वैल्यू प्लेस करो यानी 3 और 5 प्लेस करना है, अपॉन में 1 + 2 यानी m1 + m2। चलो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 × 3 = 6 + 5 अपॉन में 3, 6 × 5 = 11 / 3 यानी कि यहाँ पे जो p के कोऑर्डिनेट्स आए x, y वो p के कोऑर्डिनेट कितने आ गए, 10/3, 11/3 ये आ गया। अच्छा इसका आ गया, अब किसका निकालना है, q का हमको कैलकुलेट करना है। तो q के लिए देखो, जब q के लिए करेंगे तो सेम लाइन है, लेकिन इस बार q के लिए हमने ले लिया m, m नहीं लेते हैं, कोई और ले लेते हैं नाम, नाम क्या ले लेते हैं, चलो a, b ले लिया हमने।
अब जैसे ही हमने ए बी लिया तो यहां से यहां तक का हिस्सा कितना हुआ है ना, इसको हम कलर चेंज कर दे रहे हैं, ये इसके लिए ठीक है, ये यहां से यहां तक का हिस्सा एक हिस्सा हुआ और वहीं यहां से Q से लेके A तक का हिस्सा कितना हुआ, एक और दो हिस्सा हुआ। तो यानी कि इस बार M1 की रेशियो 2 हो गई और M2 की रेशियो कितनी हो गई, 1 हो गई। इस बार रेशियो चेंज हो गए A और B के लिए, लास्ट के कोऑर्डिनेट सेम रहेंगे है ना, ये अभी भी X1 Y1 है, ये अभी भी X2 Y2 है। XY तो निकाल लिया, लेकिन अब जब Q की बारी आई तो Q के बाद एक हिस्सा है, Q से पहले दो हिस्से, Q से पहले दो हिस्से यानी M1 की वैल्यू 2 और M2 की वैल्यू 1 हो गई, ये रेशियो बन गया। तो चलो फिर इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं सेम फॉर्मूले से। ओके, फॉर्मूला लिखना जरूरी है क्या? नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पे देखो अभी जस्ट मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो उसको विदाउट फॉर्मूला कैसे करेंगे, जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे आप तब। A की वैल्यू हो जाएगी M2, M2 का मतलब होता है 1 और प्लस 2, यहाँ पे X1 की वैल्यू, यहाँ पे X2 की वैल्यू। ओके, तो X1 की वैल्यू कितनी हो गई 2 और X2 की वैल्यू कितनी हो गई 6 अपॉन में 1 प्लस 2। A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 प्लस 12 अपॉन में 3 यानी कि 14 अपॉन में 3, ये आ गई आपकी A की वैल्यू। चलो वैसे ही B की भी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। देखो सबसे पहले मैंने बताया ना M2 M1, M2 का मतलब 1 और फिर प्लस का साइन है M1 के लिए और ये कितना है 2 और फिर ब्रैकेट ब्रैकेट M2 के साथ Y1, M1 के साथ Y2, Y1 और Y2 रखना है बस, यानी 3 और 5 रखना है, 3 रखा 5 रखा और नीचे में 1 प्लस 2। B की वैल्यू 3 प्लस 5 टू जर 10 अपॉन में कितना आ जा रहा है, ये 13 बाई 3 यानी कि Q का कोऑर्डिनेट जो कि हमने लिया है A कॉमा B एक्चुअली में क्या आया, वो आया 14 बाई 3 कॉमा 13 बाई 3, ये आ गया। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। In what ratio is the line joining the point 2, -3 and 5, 6 divided by the x-axis? अब यहाँ पे एक बात कही है इसने कि divided by the x-axis, यानी कि कोई लाइन है, कोई लाइन है, ओके? वो लाइन है आपकी 5, 6 और 2, -3 यानी कि नीचे ही की तरफ आ रही है, है ना, 2, -3 है ना, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइन आ रही है और डिवाइड हो रही है किससे, एक्स एक्सिस से। ये कौन है, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रही है। तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट क्या होता है, x, 0, एक्स पे वाई क्या होता है, 0 होता है। सिंस द पॉइंट इज, सिंस द पॉइंट हाँ, तो इन व्हाट रेशियो द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स, इतना डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, सिंस इट इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस तो देयरफॉर ऑर्डिनेट है ना, यानी कि वाई ऑफ एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 0। एब्सिसा एक्स की वैल्यू को कहते हैं, ऑर्डिनेट किसको कहते हैं, वाई की वैल्यू को। तो ऑर्डिनेट कितना आएगा, 0 आएगा, तो ऑर्डिनेट 0 हो गया। तो देयरफॉर ये क्या है आपका एक्स वन वाई वन, ये क्या है आपका एक्स टू वाई टू। ओके, ये मैं मेंशन कर दे रहा हूं, ये है आपका एक्स वन वाई वन और ये है आपका एक्स टू वाई टू और ये क्या है, y की वैल्यू 0 है। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन में m1 प्लस m2 इज इक्वल टू y,
यही फॉर्मूला हमें निकालना है, x की वैल्यू तो नहीं पता है ना, कोऑर्डिनेट तो x कॉमा 0 हुआ, y 0 की वैल्यू हमें 0 पता है, y की वैल्यू, तो हमने y का फॉर्मूला यहां लिख दिया। अब यहां y की जगह पे 0 पुट किया, m2 मेरे को नहीं पता और m1 भी मेरे को नहीं पता, ब्रैकेट में पुट किसका करना है, y1 और y2 की वैल्यू को, तो y1 का माइनस 3 उसका कितना है 6, तो इसको रखेंगे माइनस 3 और इसको रखेंगे 6, अपॉन में क्या रहेगा m1 प्लस m2 जो कि पता नहीं है लेकिन 0 से मल्टीप्लाई होके हो गया 0, माइनस 3m2 प्लस 6m1, तो 3m2 इज इक्वल टू 6m1, m1 के नीचे लाएंगे m2 को तो 3 के नीचे आ जाएगा 6 1 by 2, क्या आ गया m1 और m2 1 is to 2 आ गया, ठीक है, m1 is to m2 is equal to 1 is to 2 आ गया, ये आ गया हमारे पास रेशियो। अब दिया हुआ नहीं है इसलिए हम कैलकुलेट नहीं करेंगे x की वैल्यू, वरना m1 m2 को x वाले में रखते तो हमारा आंसर आ जाएगा x की वैल्यू भी, ओके। चलो x एक्सिस पे y0, y एक्सिस पे x0 इतना पता होना चाहिए आपको, डिवाइडेड बाय द y एक्सिस, कह दिया वही चीज, ये रहा आपका x1 y1, ये रहा x2 y2 और ये y एक्सिस पे, तो सिंस द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन लाइज ऑन वाई एक्सिस, तो देयरफॉर एक्सिस ऑन वाई एक्सिस इज इक्वल टू जीरो, एक्सिस यानी एक्स क्या हो जाएगा वाई एक्सिस पे जीरो, अभी समझाया आपको वही चीज होगा, एक्स एक्सिस पे वाई जीरो और वाई एक्सिस पे एक्स जीरो हो जाएगा, ठीक है, तो जो पॉइंट यहाँ पे डिवाइड कर रही है लाइन को, लाइन जो ज्वाइन हो रहा है उसको डिवाइड करने वाली पॉइंट वाई एक्सिस पे है, यानी वाई एक्सिस उसको कट कर रहा है, यानी वहां पे एक्स की वैल्यू जीरो, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू एम टू एक्स वन प्लस एम वन एक्स टू अपॉन में एम वन प्लस एम टू, एक्स की वैल्यू आपको पता है कि जीरो है, एम टू की नहीं पता प्लस एम वन की नहीं पता, अब क्या रखना है एक्स वन एक्स टू की वैल्यू रखनी है और नीचे भी नहीं पता हमको एम वन प्लस एम टू की वैल्यू, तो एक्स वन और एक्स टू की वैल्यू क्या दिख रही है हमें, थ्री और माइनस सिक्स, थ्री दिख रहा है माइनस सिक्स, इसका भी सेम आएगा मल्टीप्लाई होगा जीरो से जीरो हो जाएगा, इज इक्वल टू थ्री एम टू माइनस क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा सिक्स एम वन, है ना, माइनस सिक्स एम वन, अच्छा थ्री नहीं इस बार सिक्स एम वन इज इक्वल टू थ्री एम टू, तो एम वन के नीचे लाएंगे किसको, एम टू को, इज इक्वल टू थ्री अपॉन में सिक्स, कितना आ गया अगेन वन बाई टू, तो जो रेशियो है m1 is to m2 is equal to 1 is to 2, आप ये भी लिख सकते हो कि let the ratios be m1 is to m2, okay? ये भी लाइन ऐड कर सकते हो कि let the ratios be m1 is to m2, चलो ये क्वेश्चन भी हो गया, अब इसके बाद कौन सा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 8, ओके, ये आपका था 7th, 7th के बाद ही 8, मिस नहीं हो रहा है कुछ भी, चलो 8th क्वेश्चन में है, कह रहा है कि फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल हुज एंगुलर पॉइंट्स आर ये, ठीक है, सेंट्रोइड आपको पता करना है ट्रायंगल का जिसके एंगुलर पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये रहा, ठीक है, इसके पॉइंट दिए हुए हैं -4, 6 और क्या दिया हुआ है 2, -2 और 2, 5, ये सब बनाना थोड़ी है, ये तो बता रहा हूँ बस, ये सेंट्रोइड की वैल्यू पता करनी है एक्स वाई, अब ये तीन पॉइंट्स दिए हुए हैं तो तीनों को क्या क्या लेना है हमको, एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू और एक्स थ्री वाई थ्री लेना है, यही करना है हम लोगों को, तो पता है आपको कि सेंट्रोइड के लिए है ना क्या होता है, एक्स कॉमा वाई ले लेते हैं, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड बी एक्स कॉमा वाई, तो एक्स की वैल्यू क्या आती है, एक्स वन
प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री अपॉन में थ्री, और y के लिए लिखते हैं y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3. क्या कुछ आएगा x की वैल्यू? माइनस फोर प्लस टू प्लस टू अपॉन में 3, ये तो जीरो हो गया आई थिंक. माइनस फोर प्लस फोर अपॉन में 3 यानी जीरो बाई थ्री यानी जीरो हो गया ये तो. और यही अगर y की वैल्यू देखें तो सिक्स माइनस टू प्लस फाइव, सिक्स माइनस टू प्लस फाइव अपॉन में 3, 11 माइनस टू यानी कि 9 बाई थ्री इज इक्वल टू 3, y की वैल्यू आ गई. तो देयरफॉर सेंट्रोइड जो कि हमने लिया है x कॉमा y इज इक्वल टू हाउ मच, 0 कॉमा 3. ये आ गया आपका सेंट्रोइड का, सेंट्रोइड का फॉर्मूला x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 9. अब यहाँ पे ऑलरेडी दिया है x1, y1, x2, y3 एंड g इज यानी कि सेंट्रोइड का वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि ये x, y की वैल्यू दी हुई है 0, 0. फाइंड y2 एंड x3. तो मेरे को पता है कि सिंस x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3, तो देयरफॉर x की वैल्यू यानी 0 is equal to x1 yani 2, x2 yani 3 plus x3 upon में 3. 3 zeros are 0 is equal to 5 plus x3, तो x3 is equal to minus 5. लो भाई पहला answer आ गया, पहला answer खत्म यहीं पे. second वाला, since y is equal to है ना centroid वाला जो है यहाँ पे, तो y is equal to y1 plus y2 plus y3 upon में 3, तो therefore 0 is equal to y1 जो कि 3 है plus y2 जो कि नहीं पता है minus y3. अब ये minus क्यों लिख दे रहे हैं सर, यहाँ तो plus लिखा है तो plus minus minus ही ना आएगा इसीलिए लिख रहा हूँ, upon में 3. 3 zeros are 0 is equal to 1 plus y2, तो y2 की वैल्यू कितनी आ गई माइनस वन, दोनों की वैल्यू आ गई. बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 में है कि द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 1, 4, 4, 8, 5, 6. फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल. अब ये थोड़ा सा देखो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है. क्या कह रहा है यहाँ पे, यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन हमने एग्जांपल में भी किया है. कह रहा है कि ए बी सी, चलो ट्रायंगल ले लिया, और यहाँ पे डी, यहाँ पे ई और यहाँ पे एफ मिड पॉइंट्स ले लिए, तो ये कितना है आपका 1, 4 है मिड पॉइंट्स आए, और दूसरा है 4, 8 और तीसरा है आपका 5, 6. ओके, ये हो गया आपका. अच्छा चलो ये हो गया, तो यहां पे लिखेंगे कि लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस बी एक्स वन एक्स टू जो कि ए है, बी यहां पे एक मिनट सॉरी हो जाता है कोई नहीं, एक्स वन वाई वन बी एक्स टू वाई टू और एंड सी एक्स थ्री वाई थ्री. ठीक है ये ले लिया हमने इसको. ओके एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री. अब ये मिड पॉइंट्स है ना, है ना मिड पॉइंट्स है, तो देयरफॉर फॉर डी नहीं, अगर एक एक को लिखने चलेंगे तो बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा, तो देयरफॉर हमको पता है मिड पॉइंट का. देयरफॉर क्या होता है मिड पॉइंट का, x1 plus x2 upon में 2 होता है ना, सिंस प्लस x2 upon में 2 इज इक्वल टू x, तो देयरफॉर बारी बारी से सबके लिए देखो, मिड पॉइंट के लिए एक फॉर्मूला लिखा, बारी बारी से सबके लिए, देयरफॉर x1 plus x2 upon 2 is equal to 1,
है ना। तो x1 plus x2 upon में 2 is equal to 1, तो x1 plus x2 is equal to 2, ये पहला आ गया। Also इधर से x2 plus x3 is equal to 4, x2 plus x3 upon में 2 is equal to 4, तो therefore x2 plus x3 is equal to 4, 2 सा 8, ये second हो गया। और फिर उसके बाद ये तीसरा वाला पॉइंट x1 x3 is equal to 5, मतलब upon 2 is equal to x1 plus x3 upon में 2 is equal to 5, तो therefore x1 plus x3 is equal to 5, 2 सा 10, ये हो गया थर्ड। क्या करेंगे नेक्स्ट लाइन में, एडिंग 1, 2 एंड 3, जैसे ही तीनों को ऐड करेंगे, देखो x1 x2 x2 x3 x1 x3, तो क्या आ जाएगा आपके पास, ट्वाइस x1 ट्वाइस x2 प्लस ट्वाइस x3 इज इक्वल टू 2 प्लस 8 प्लस 10, ये आ जाएगा। देखो इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे पहले वाले में एक x1 है, फिर थर्ड वाले में एक x1, फिर इसमें एक x2 है, एक x2 इसमें, फिर एक x3 इसमें, एक x3 इसमें, तो सब दो दो बार आएंगे ऐड करने पे। 2 कॉमन लिया तो आया x1 प्लस x2 प्लस x3, 10 एट 18 टू 20, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू आ गई कितनी, 10 आ गई आपके पास। ये वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 10 आ गई। अब देखो इसको ले लो आप 4, अब किसी एक को माइनस करो, किसी एक को, जैसे मैं लिखता हूं यहां पे पहला वाला 4 माइनस 1, 4 का मतलब हुआ x1 x2 x3 माइनस x1 x2, तो माइनस x1 x2 कौन कट रहा है, x1 x2, तो वैल्यू किसको आएगी, x3, 10 में से कितना गया 2, कितना आया 8। इसको अलग से कहीं पे करके क्या ही दिखाऊं मैं, तुम खुद सोचो, बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, तो आप इसको शॉर्ट कर सकते हो, 4 माइनस 1 करेंगे, x1 x2 x1 x2 कट गया और 10 में से 2 गया, कितना आ गया, 8 आ गया। ऐसे ही 4 माइनस सेकेंड करेंगे, सेकेंड x2 x3 कटेगा, x2 x3 कटेगा, बचेगा कौन, x1 बचेगा, और 10 में से कितना जाएगा 8, तो किसकी वैल्यू आएगी, इसकी 2 आ जाएगी। फिर उसके बाद कौन सा आएगा आपका, फोर्थ माइनस थर्ड, फोर्थ माइनस थर्ड यानी x1 x3, x1 x3 कट जाएगा यानी बचेगा क्या, x2, और 10 में से कितना जाना है, 10 जाना है, यानी कि वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। ठीक है, कितनी वैल्यू आएगी इसके, 0 आ जाएगी। अब क्या हुआ है यहाँ पे, अब यहाँ पे कुछ खास है भाई, अब जैसे यहाँ पे x के लिए हुआ है वैसे ही यहाँ पे y के लिए होना है ना, तो हम यहाँ पे एक लाइन लिख देते हैं बड़ी अच्छे से, है ना, जिसमें ज्यादा मेहनत नहीं करना होता है, सिमिलरली, है ना, क्या लिखेंगे, y1 plus y2 is equal to y1 plus y2 upon में 2 is equal to क्या आ रहा है ये 4, तो therefore y1 plus y2 is equal to 4, 2 is 8, ये हो गया आपका फिफ्थ नंबर। ठीक है, उसी तरीके से आपका y2 plus y3 अपॉन में 2 इज इक्वल टू कितना हो रहा है, 8 हो रहा है, है ना, ये कितना है आपका, ये यहाँ पे 4 था और ये यहाँ पे y2 y3 की वैल्यू कितनी है, 8 है, तो y2 plus y3 इज इक्वल टू 16, ये कौन सा हो गया आपका, 6 नंबर हो गया। उसके बाद y1 plus y3 अपॉन में 2 इज इक्वल टू हाउ मच, is equal to 6, तो y1 plus y3 is equal to 12, ये हो गया आपका 7, क्या करेंगे, add करेंगे, add करेंगे 5, 6 and 7, दो बार y1, y2 और y3 आएगा, ये already देखो यहाँ पे इस तरह से किया हुआ था, इसलिए directly लिख दिया कि दो बार y1, y2, y3 आएगा और इसकी value कितनी हो जाएगी,
यहाँ पे 8 है, 16 और 8 24, और 24 और 12 कितना होता है, 36 होता है, कितना आएगा 36। तो y1 plus y2 plus y3 is equal to 18, 2 1's और 2 18's, ठीक है। ये आ गया तुम्हारा 8th, है ना, 8th इक्वेशन आ गया। अब 8th वाला इक्वेशन जैसे ही आया, क्या आया, 8th वाला इक्वेशन जैसे ही आया, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 8 minus 5 करेंगे, 8 minus 5, y1, y2, y3, y1, y2 कट जाएगा, किसकी वैल्यू आएगी, y3 की वैल्यू आएगी, और y3 की वैल्यू कितनी आएगी, 18 में से 8 जाएगा तो 10 आएगा, कितनी आएगा 10। फिर 8th में से 6th को माइनस करिए, 8th इक्वेशन में से 6th इक्वेशन को, है ना, जगह भी उतना ज्यादा ले ली नहीं है, फिर पेज पलट के करना होगा या फिर इसको टॉप करके करना होगा, चलो तो वही कर लेते हैं, लेकिन अगर देखो हो जाए तो करते हैं, क्या दिक्कत है। ये रहा 8th और ये रहा 6th, y2 y3 कटेगा, y1 की वैल्यू निकलेगी, y1 की वैल्यू कितनी निकलेगी, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 18 है, तो कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। फिर उसके बाद 8th को माइनस करोगे 7th से, तो 7th से माइनस करोगे तो किसकी वैल्यू निकलेगी, अब y2 की वैल्यू निकलेगी, और यहाँ पे कितना है 18 है, और यहाँ पे कितना है 12 माइनस 18 कितना आ जाएगा 6 आएगा, ओके 6 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आंसर कहाँ पर लिखे, हम आंसर लिखते हैं यार यहीं पे, x1 y1 दिख रहा है, ठीक है एकदम, x1 y1 कहाँ है भाई, x1 x2 है, ओके यहाँ पे x1 की वैल्यू 2 है, कॉमा y1 की वैल्यू कहाँ पे है, एक मिनट, y1 की वैल्यू यहाँ पे है 2, 2, एक कोऑर्डिनेट आ गया, ओके। फिर दूसरा वाला x2 y2, x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू है 0, x2 की वैल्यू है 0, कॉमा y2 की वैल्यू कितनी आई है 6, 0, 6, ये दूसरी आ गई। फिर उसके बाद हमको निकालना है x3 y3, तो x3 की वैल्यू यहाँ है 8 हो गया, और 8, y3 की वैल्यू कितनी है, y3 की वैल्यू है, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 10, ओके। चलो तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, लेकिन एक काम करते हैं कि इसको यहीं पे अभी हम लोग पॉज कर देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 से लेके पूरा क्वेश्चन नंबर 20 तक फिनिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।